नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टर सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। हेलो मेनका पांडे, वेलकम बैक। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द पैसिव वॉइस। आज मैं पैसिव वॉइस के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ और प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, इसका जो एक्टिव और पैसिव वॉइस का कंसेप्ट मैं क्लियर किया था। आप लोग को पता होगा कि टोटल हमारे जो 8 टेंस के पैसिव वॉइस कन्वर्ट होता है, बाकी जो 4 का जो कन्वर्जन नहीं होता है। किसका किसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट नहीं होता है सेंटेंस का। तो आज के वीडियो में मैं पास्ट इंडेफिनिट का जो फर्स्ट पार्ट है, पास्ट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट, उसका जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, इसका एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये जानना जरूरी है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है? तो सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है। और पैसिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट होगा, सब ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा और सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है वाज और वर है, तो वाज का यूज़ जो कहाँ पे होता है और वर का यूज़ कहाँ पे होता है, यूज़ इसका जानना हमको बहुत ज़रूरी है। तो वी नो दैट यूज़ ऑफ वाज, I, he, see it and singular noun, we use was, I, he, see it और singular noun के साथ हम was का प्रयोग करते हैं, you, they, we और plural noun के साथ हम were का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो है past indefinite का जो है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। जैसे एग्जांपल, आई कंप्लीटेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे इट जो है आई कंप्लीटेड इट, तो इट आई की जगह पे आ जाएगा, तो इट वॉज कम्प्लीटेड बाई मी, इट जो है आई की प्लेस पे आएगा और आई जो है इट की प्लेस पे आएगा और आई जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और मी बन जाएगा, तो इट वॉज कम्प्लीटेड बाई मी। जैसे और एक एग्जांपल, सी वॉच्ड दिस वीडियो, तो दिस वीडियो वॉज वॉच्ड बाई हर, दिस वीडियो यहाँ पे जो है सी की जगह पे आ जाएगा, तो दिस वीडियो और सिंगुलर फॉर्म है ये, तो वाज और वॉच्ड थर्ड फॉर्म, बाई और सी का ऑब्जेक्ट हर। इसका नेगेटिव का जो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वही कंसेप्ट रहेगा, बस वाज और वर्ब के बाद हमारा नॉट लग जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा, वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई और सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा और ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे दे डिड नॉट रिस्पेक्ट मी, तो ये होगा आई वॉज नॉट रिस्पेक्टेड बाई देम, मी जो होगा दे की जगह पे होगा तो आई हो जाएगा और दे जो होगा मी की जगह पे जाएगा तो देम हो जाएगा, तो आई वॉज नॉट रिस्पेक्टेड बाई देम। इंट्रोगेटिव का जो कॉन्सेप्ट होगा, इंट्रोगेटिव में टू टाइप्स का इंट्रोगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव और WH ग्रुप। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में सेंटेंस विच स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, जैसे वाज और वर से जो स्टार्ट होगा इसमें, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड से स्टार्ट होगा, पैसिव वॉइस में वाज और वर से स्टार्ट होगा। तो एक्टिव वॉइस का जो इसका कॉन्सेप्ट होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। WH ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट होगा, एक्टिव वॉइस का हो या पैसिव वॉइस का हो,
तो दोनों के स्टार्टिंग नाम को बस डब्ल्यू एच ग्रुप के वर्ड यूज कर देना है. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू एब्यूज हिम, डिड यू एब्यूज हिम. तो जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वाज ही एब्यूज्ड बाय यू, डिड ही एब्यूज, डिड यू एब्यूज हिम. जब इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो वाज ही एब्यूज्ड बाय यू. डब्ल्यू एच ग्रुप की बात करते हैं तो डब्ल्यू एच ग्रुप में जैसे होगा, वाई डिड यू इंसल्टेड मी, वाई डिड यू इंसल्टेड मी. तो वाई वॉज आई इंसल्टेड बाई यू, वाई डिड यू इंसल्टेड मी. तो मी जो है यू की जगह पे आएगा, यू जो है मी की जगह पे जाएगा. तो वाई वॉज आई इंसल्टेड बाई यू. तो ये हमारा जो था पास्ट इंडेफिनिट का, एक्टिव और पैसिव का जो है कंसेप्ट था. नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊंगा. थैंक यू.